और उन्होंने नेताओं की डिजिटल वर्चुअल रैली कराई और उसके बाद खुद वो डेरा डाले रहे। जिस तरह से माइक्रो लेवल से प्लानिंग की गई, तो बेहद खास दिन है जेपी नड्डा के लिए। जरूर उनके मन में इस बात लेकर संतोष होगा कि जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी, जो भी रणनीति बनाई, सभी मुद्दे उन्होंने जनता के बीच ले जाने के लिए तय किया था, उसका ये फल मिला कि एनडीए की सरकार वहां बनने जा रही है। जी, और जेपी नड्डा खुद उन्होंने कैंपेन भी बड़ा एक्सटेंसिव कैंपेन किया बिहार में। बिल्कुल, जेपी नड्डा ने जमकर कैंपेन भी किया था, पूरा मीडिया को उन्होंने इंटरटेन किया था, मीडिया को लगातार वो इंटरव्यूज दिए, खूब रैली की, छोटी छोटी सभाएं की, बड़ी बड़ी सभाएं उन्होंने की, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, बुद्धिजीवियों से संवाद किया, बंद दरवाजे में बैठ के भी कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई की, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ दांव पे लगा था जेपी नड्डा का और उन्होंने कोई भी कोर कर। अच्छा, ऐसा लग रहा है अमित शाह वहां पहुंच गए। जी हां, दिखाई भी दिए वो पिछली गाड़ी में आगे अगली सीट पर बैठे हुए अमित शाह, गृहमंत्री वहां पहुंच गए ऐसा लगता है आनंद। जी हां, अमित शाह को देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल अमित शाह का इंतजार हो रहा था, क्योंकि अमित शाह को लेकर अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि जेपी नड्डा के आने के बाद ही बताया गया था तुरंत अमित शाह पहुंचने वाले हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ है कि जो भी नेता अंदर आ रहा है उसको अंदर आने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, कार्यकर्ताओं किनारे करना पड़ रहा है, तब जाके गाड़ियां अंदर आ पा रही है। जेपी नड्डा के बाद अमित शाह भी पहुंच गए हैं, कुछ देर में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, उनके बाद नितिन गडकरी पहुंचे हुए, तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं वो भी एक एक कर यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और फिर उनको स्टेज पे लाया जाएगा। और चूंकि बिहार में बीजेपी को अपना नेता भी चुनना है, देखिए हम देख रहे हैं तस्वीरों में आनंद, आपको बताता रहा हूँ, आप शायद वहाँ नहीं देख पा रहे होंगे, अमित शाह पहुंचे और ऊपर से फूल बरसाए गए उनकी गाड़ियों के ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर, अब उतर रहे हैं वो पार्टी ऑफिस के अंदर पहुंचने के बाद अपनी गाड़ी से। अमित शाह गृहमंत्री पार्टी मुख्यालय में पहुंचे हैं पार्टी की इस जीत के, इस जश्न में, इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के। और देखिए पहला काम उन्होंने गाड़ी से उतरते किया मास्क लगाने का, मास्क बहुत ज़रूरी है और दिल्ली में इस वक्त खास तौर पर। और अब पार्टी के ऑफिस के अंदर जाते हुए देवेंद्र वहां पर अब मौजूद है अंदर, देवेंद्र अमित शाह अंदर दाखिल हो रहे हैं पार्टी ऑफिस के। देवेंद्र आप सुन पा रहे हैं तो फिलहाल तस्वीरों में हम देख रहे हैं पार्टी गृह मंत्री को अंदर दाखिल होते हुए। जी हाँ बिल्कुल सौरभ, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए और बिहार चुनाव की अगर बात करें तो अमित शाह के लिहाज से सोचिए कितना इम्पोर्टेंट चुनाव ये था कि जब पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही थी उसी बीच में गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना हुआ, कोरोना से वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, उसी दौर में सीट शेयरिंग की बात चलने लगी। लेकिन जैसे ही अमित शाह कोरोना से ठीक हुए उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे 6 से 8 घंटे उन्होंने बीजेपी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह रहते थे और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के नेता, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, मंगल पांडे, संगठन महामंत्री नागेंद्र, राधा मोहन सिंह, इन सारे नेताओं के साथ एक एक सीट पर अमित शाह ने चर्चा की कि किस सीट पे। पहली चर्चा तो इस बात को लेकर थी कि कौन सी सीट पे हमें लड़ना है, कौन सी जेडीयू को देना है। दूसरी चर्चा इस बात को ली थी कि अगर इस सीट पे हमें अगर अपने कैंडिडेट को लड़ना है तो वो कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए, अगर जेडीयू का कैंडिडेट होगा तो उनका कैंडिडेट भी कौन है, ताकि उसके हिसाब से इक्वेशन सेट किया जा सके। अमित शाह जब भी किसी चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हैं तो बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर किसी एक सीट की बात कर लें कि अगर बांकीपुर के उदाहरण के तौर पर आप बात करें कि बांकीपुर में कौन सा कैंडिडेट होगा, उसके प्रोफाइल का असर दूसरे सटे हुए कंस्टिट्यूंसी पर क्या पड़ सकता है, दूसरा कैंडिडेट कौन होगा, अपोजिशन का क्या हो सकता है, इन सारी बारीकियों को एक साथ ध्यान में रखते हुए अमित शाह पूरी रणनीति बनाते हैं। तो पूरे बिहार चुनाव को लेकर 8-8 घंटे उन्होंने लगातार 2 से 3 दिन तक ये बैठकें की थी और उन बैठकों के बाद जो मंथन करके निकला था उसके बाद फिर जेडीयू के साथ बातचीत हुई। तो जाहिर तौर पर यह सारी कवायद, सारी मेहनत जो हुई थी, आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मंच पे वो सारे नेता मौजूद रहेंगे तो वो सब कुछ उन्हें समझ में आएगा कि जिस प्रकार की मेहनत हुई, क्योंकि बीजेपी को बखूबी एहसास था इस बात का पिछले 2-2.5-3 महीने के अंदर कि जिस चुनाव को बहुत ज्यादा आसान माना जा रहा था जेडीयू के साथ आने के बाद,
वो चुनाव इतना आसान नहीं रहा, और अगर इतना आसान नहीं रहा तो उसके पीछे कई सारे वजह थी। उन सारी वजहों को लेकर बीजेपी के शीर्ष स्तर पे कोई कंफ्यूजन नहीं था, और इसलिए क्योंकि उन्होंने तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंकी। अगर प्रधानमंत्री की रैली होनी है तो कितनी रैली होनी है, किस प्रकार से उसे तय किया जा रहा है। देवेंद्र, आप ये बता रहे हैं कि भले ही कैंपेन में अस्वस्थ होने की वजह से कोरोना हो गया था अमित शाह को, वो दिखाई नहीं दे पाए, लेकिन बैकरूम स्ट्रैटेजी में, रणनीति बनाने में कहीं पीछे नहीं थे अमित शाह, बढ़ चढ़कर उनका पूरी हिस्सेदारी थी। आपसे हम एक बार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। उनकी अध्यक्षता में पहला चुनाव लड़ा है और कामयाबी हासिल की पार्टी ने, जरा जेपी नड्डा के लिए इस चुनाव की अहमियत को बताइए। और जेपी नड्डा की बात करें तो दो चीज़ें थी, एक तो ये कि पॉलिटिकली आप देखें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान उन्हें दी गई, और ये कमान तब दी गई जब बीजेपी की सफलता एक चमत्कारिक स्तर पर थी। अमित शाह ने जो बैटन जेपी नड्डा को दिया था, आप अंदाजा लगाएं कि जेपी नड्डा के ऊपर कितना दबाव होगा परफॉर्मेंस का, कि अमित शाह कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी को लेके गए, देश के कितने बड़े भूभाग पर बीजेपी का शासन था, उस माहौल में जेपी नड्डा को उन्होंने बैटन थमाया था। और उसके बाद पहली परीक्षा थी बिहार के चुनाव में, तो ये पॉलिटिकली अंदाजा लगाया जा सकता है कि संगठन के स्तर पर अमित शाह जेपी नड्डा कितने दबाव से गुजर रहे होंगे, कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, बीजेपी के संगठन ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, ये अपेक्षाकृत युवा नेता के तौर पर, तो उस सफलता को कैसे आगे बरकरार रखा जाए। दूसरी चीज जो कि जेपी नड्डा के लिए एक कनेक्शन और इमोशन के तौर पर थी कि बिहार में ही रह के उनकी पढ़ाई हुई है, उनके पिताजी वहाँ पे पोस्टेड थे, तो जेपी नड्डा को बार बार वो कहते भी हैं कि मेरा दो घर है, एक हिमाचल प्रदेश जहाँ के मूल रूप से वो रहने वाले हैं, दूसरा बिहार। तो जिस प्रदेश को आप मानते हो कि ये मेरा घर है, वहाँ रह के आपने पढ़ाई लिखाई की, इतने साल आपने वहाँ पे बिताए, वहाँ पे अगर आपको कोई परीक्षा देनी हो तो वो एक अलग तरह का दबाव था। और इसलिए जेपी नड्डा बहुत ज़्यादा सजग थे। जून के महीने में बीजेपी के नेताओं की, बिहार बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी एक बैठक उन्होंने बुलाई थी, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसमें से पहली बैठक उन्होंने बुलाई थी बिहार चुनाव को लेकर, और पार्टी के इसी मुख्यालय